हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। तो आज हम बनाएंगे तहरी। अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। हम यूपी के हैं तो हम इसे तहरी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है हमें। ये मैंने लिए एक कटोरी बासमती राइस, ये एक गाजर, आधी कटोरी मटर, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, हरी मिर्च, एक बड़ी प्याज कटी हुई और एक बड़ा आलू कटा हुआ। उसके साथ हैं ये हमारे सारे सूखे मसाले एंड थोड़ा सा जीरा और खड़े गरम मसाले खुशबू के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कुकर में 2 टीस्पून रिफाइंड गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और खड़े मसाले और उसके साथ जाएगी ये प्याज। जब ये प्याज भून जाएगी तब हम डालेंगे इसमें टमाटर और बाकी सारी कटी हुई सब्जियां। अब मेरी प्याज भुन चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर और बाकी सारी सब्जियां, मटर, गाजर और आलू। अब मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से भूनूंगी, फिर इनमें डालूंगी सारे सूखे मसाले। अब मेरी सब्जियां थोड़ी भुन चुकी हैं, अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, फिर ये मसालों के साथ अच्छे से भुन जाएंगी। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच सूखा धनिया। अब आप देख सकते हैं ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से भुन गई हैं, इनमें चिकनाई छूट रही है। अब मैं इनमें डालूंगी भीगे हुए चावल। ये सब्जियां जितने अच्छे से भुनती हैं उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे चावलों में। तो अब मैं इसमें थोड़े चावल डाल के उन्हें भी थोड़ा सा भून लूंगी। अब मैंने चावल इसमें मिक्स कर दिए हैं और उन्हें लगभग 2 मिनट भूनूंगी जब उनका पानी सूख जाएगा। मैंने ये चावल 10-15 मिनट पहले भिगोए थे। जब मैंने ये सब्जियां भूननी शुरू की थी तभी मैंने इन्हें भिगो दिया था, क्योंकि भूनने में आधी सब्जियां गल गई हैं और इसीलिए चावल एक सीटी में पक जाएंगे। अब मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे तो उसके हिसाब से इसमें 2 कटोरी पानी डलेगा। मैंने 2 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है क्योंकि ये चावल भीग गए थे तो थोड़ा पानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला। हमारे चावल में मसाला सही है या नहीं इसके लिए हम इस पानी को चख लेंगे। अगर ये पानी थोड़ा हल्का है तो हम इसमें और मसाले डालेंगे, क्योंकि जब हमें पानी थोड़ा तीखा लगेगा तभी हमारे चावल परफेक्ट बनेंगे। अब मैंने इसका पानी चख लिया है, अच्छा तीखा पानी है, अब परफेक्ट चावल बनेंगे। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, फिर हम देखेंगे एक सीटी बाद। ये देखिए मेरी तहरी बनके तैयार है। एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला आया है और मैं इसे सर्व करूंगी ग्रीन चटनी के साथ और देसी घी के साथ। इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।